गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 28th of October। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में डिफरेंट करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। डॉलर इंडेक्स अभी है 110.42, ये आपका 109.55 लो मारने के बाद लो से फिर बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन द केस हमारा क्या नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं कि ये स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया था, फिर इसका फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, रेदर एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। अभी हमें नेक्स्ट इंतजार रहेगा समथिंग लाइक दिस। ये आपका 109.5 का लो बनाया है, फिर अभी बाउंस जो मार रहा है, मारने के बाद एक हाई जो बनाएगा, ये वाला हाई। ये जो हाई है ये प्रीवियस हाई को तोड़ना नहीं चाहिए एंड उसके बाद फिर दोबारा ये लो को तोड़ना चाहिए। दैट मीन्स अभी जो हाई मारेगा, स्विंग हाई मारने वाला है, दैट हाई शुड नॉट ब्रेक अबव दिस 114 के आसपास, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। रेदर एक लोअर हाई बनाने के बाद ये जो स्विंग लो है 109.55 उसके नीचे ब्रेक देना चाहिए। देन एंड ओनली देन एक कंटिन्यूअस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बनाएगा एंड इन सच ए सिनेरियो डॉलर इंडेक्स में और भी हमें सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा। सो हमें इंतजार रहेगा कि आने वाले दिनों में कैसे डॉलर इंडेक्स बिहेव करता है। डॉलर रुपी अभी है 82.35। यहाँ पर आप देखोगे ये जो लो है, इस लो को कल फिर वहीं से बाउंस बैक किया है। लो क्या था आपका 81.90, फिर कल, हालांकि हमारा इंडियन मार्केट में रुपी ट्रेड हुआ 82.1213 के आसपास, लेकिन ये स्टार्ट किया 81.90 से, फिर ऊपर जाके कल ट्रेडेड हाई ऑफ 82.55, फाइनली क्लोज्ड एट 82.36, अभी वहीं पे है। यहाँ पे हमें वही देखना है कि आपका ये अभी करंट पोजीशंस में बाउंस बैक कर रहा है। ये जो बाउंस बैक करेगा, ये हाई शुड नॉट ब्रेक अबव दिस हाई। दैट मींस ये जो आपका 83.30 का हाई है, ये वाला, इसके ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। अगर ऊपर फिर क्लोज दे देगा तो हायर एंड्स में जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हमें मिल सकता है। ये लोअर हाई बनाना चाहिए अगर इसको नीचे जाना है एंड उसके बाद ये स्विंग लो को, ये जो 81.90 का स्विंग लो है, इसको तोड़ना चाहिए। देन एंड ओनली देन रूपी में शांति कुछ और टाइम के लिए बरकरार होने वाला है। ये अगर हाई 83.30 को हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वॉलेटिलिटी एक बार मार्केट में दिखने को मिलेगा। जीबीपी डॉलर में अभी है 1.1571 आफ्टर मेकिंग ए हाई ऑफ 1.1654। ये कल एक छोटा सा नेगेटिव कैंडल दिया है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये एक कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस आया है। अभी ये एक रिट्रेसमेंट्स करने के बाद क्या ये बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हमें इंतजार रहेगा। अभी ये जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट्स करेगा, ये रिट्रेसमेंट्स में ये आपका यहाँ पे आप रेड कलर का ये जो लाइन है, ये देखो, ये सेंटर बैंड है। ये सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो बहुत ही बढ़िया एक अपवर्ड मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। दिस इज जस्ट एन एंटिसिपेशन। तो एक रिट्रेसमेंट्स अगर देता है मोस्ट वेलकम होगा और ये और भी ज्यादा बढ़िया होगा। ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड है, व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, उस मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर एन अपवर्ड मूवमेंट इन जीबीपी डॉलर। जीबीपी आईएनआर में भी एक हायर हाई ऑलरेडी बना चुका है। अभी आने वाले दिनों में एक रिट्रेसमेंट्स देके फिर बाउंस बैक करेगा और ये रिट्रेसमेंट्स अगर सेंटर बैंड बॉलिंजर बैंड के सेंटर बैंड के आसपास
होगा तो आपका बहुत बढ़िया होगा, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर अगर जाएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम के इंडिकेशंस हो सकता है। सो हमें इंतजार रहेगा क्या ये इस टाइप का एक आने वाले दिनों में ये ऐसा कुछ मोमेंटम या मूवमेंट करता है या नहीं। यूरो डॉलर में कल एक हाई मारा था 1.0093। आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस जोन है 0.9880 से 1.0080, इसके हायर एंड में जाके ये रेजिस्टेंस लिया है, बट इन द मीन टाइम ये हायर हाई बना चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पर भी ये आपका सेंटर बैंड है, अभी ये रिट्रेसमेंट सेंटर बैंड के आसपास लेके अगर फिर स्विंग हाई को तोड़ता है, इन सच ए सिनेरियो वी मे गेट एन एक्सीलेंट अपवर्ड मोमेंटम इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यूरो आयनर अगर हम देखेंगे, यूरो आयनर में भी एक हायर हाई हायर लो ऑलरेडी बना चुका है। सेम पीस ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें देखना है कि ये अगर सेंटर बैंड है समथिंग लाइक दिस और प्राइस इसके आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाने जाना चालू करता है, देन इट विल बी गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट अपवर्ड मूवमेंट। डॉलर येन में हम देखेंगे, डॉलर येन में क्या हुआ आपका 26 अक्टूबर को ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपका क्लोज दिया, उसके बाद कल का नहीं 27 अक्टूबर का ये, हाँ कल का एक स्पिनिंग टॉप बना, इसके नीचे फॉलो थ्रू था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। ये जो स्पिनिंग टॉप है, हालांकि इसका ज्यादा कुछ रिलेवेंस है नहीं, इट्स अ पॉज कैंडल। पॉज कैंडल का मतलब क्या है, इसके लो के नीचे फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन एनी केस ये डॉलर येन फिर दोबारा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना नहीं चाहिए, जो पहले का ट्रेंड लाइन था इसके ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, देन अगर क्लोज दे देगा फिर ऊपर की तरफ वॉलीटिलिटी बरकरार रहेगा। रेदर अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर लो को तोड़ेगा समथिंग लाइक दिस, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेल ऑफ का अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकता है। येन आयनर में देखेंगे, येन आयनर में आपका ये डबल बॉटम बनाने के बाद ये जो आपका नेक लाइन है दैट इज 0.571020, इसको ब्रेक करना चाहिए अगर ये ऊपर जाता है जाना है तो, इसको अगर ऊपर जाना है तो इस हाई को तोड़ के क्लोज देना पड़ेगा, हमें इंतजार रहेगा प्राइस एक्शंस का, अदरवाइज यहाँ पे फिर दोबारा ये कंसोलिडेट करने वाले हैं। डॉलर कैंडी में कल एक स्पिनिंग टॉप बनाया, स्पिनिंग टॉप का लोकेशन कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला हमारा फर्स्ट आउटसाइड इनसाइड जो बोलिंजर बैंड का सेटअप है उसका फर्स्ट टारगेट हमारा था वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस का, वहां पे आ चुका है। अभी हमें इंतजार रहेगा क्या ये इस नेक लाइन के नीचे क्लोज दे देता है एंड फॉलो थ्रू करता है। एक बार ये नेक लाइन के नीचे क्लोज दे देगा एंड फॉलो थ्रू करेगा, देन हमारा एम पैटर्न का टारगेट का जो है आपका 1.31 उस लेवल पे आ सकता है, हमें अभी इंतजार रहेगा क्या ये यहाँ पे क्लोज दे देता है या नहीं। ऑसी डॉलर में हम देखेंगे, ऑसी डॉलर में ये आपका रेजिस्टेंस जो जोन था इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर गया था, कल वापस यहाँ पे आके क्लोज दिया है, अभी ये लेवल पे सपोर्ट लेके ये दोबारा ऊपर जाता है एंड ये हाई को जैसे तोड़ेगा तो एक हमें अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर सीएनएच में ये आपका अभी है 7.2377, ये देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के यहाँ पे आके वापस कल क्या किया बंदे ने, फिर बाउंस बैक किया, जो हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या था ये लेवल में इसके ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद बाउंस बैक, ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद बाउंस बैक, यहाँ पर भी आने के बाद ये दोबारा ऊपर जाने का कोशिश किया, क्या ये ऊपर बाउंस करने में कामयाब रहेगा या ये जो बाउंस बैक है फेल करेगा। ये फेल कब करेगा, अगर आज का जो कैंडल है एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा समथिंग लाइक दिस, ये अगर इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल बना के दोबारा ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, इट विल सिग्निफाई ए फेल्यूर। इन सच ए केस सीएनएच में हमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा,
सीएनएच में सॉफ्टनेस मींस रूपी में भी हमें सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा। अदरवाइज बहुत ही ये आपका मंथली क्लोज अगर आपका 7.27 के ऊपर दे देता है तो बहुत ही गंदी बात। यूके ऑयल कल परसों 2 दिन एक बाउंस बैक किया क्योंकि आपका जो क्रूड डेटा था वो बेटर नहीं था। तो अभी इसको अगर नीचे जाना है तो 88.81 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, एल्स यहाँ पे एक वॉलिटिलिटी क्रिएट करने वाला है ब्रेंट ऑयल। 10 ईयर वेस्ट ट्रेजरी ये आपका कल ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दे चुका है। दैट बीइंग द केस आज के दिन इसके नीचे फॉलो थ्रू होना चाहिए अगर इसको सॉफ्ट होना है। फॉलो थ्रू होने के बाद फिर दोबारा हमें लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा इसको अगर सॉफ्ट होना है तो। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये मेरा ये जो प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।